तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। इसमें आपको कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ओके, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। फ्रेंड्स, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। और एक आपको अमेजिंग का मैजिक भी देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस एयरपॉड्स का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। इसमें आपको कैसे का फीचर्स, इसका बैटरी का बैकअप, परफॉर्मेंस, गेमिंग के लिए, कॉलिंग के लिए कैसा होगा, सो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बेस्ट, एक अमेजिंग, एक गुड एयरपॉड्स बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो और जिसकी वॉइस में काफ़ी गूंज भी हो, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना। फ्रेंड्स, आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिला कि यह फास्ट ट्रैक ब्रांड का ये ईयरपोड्स होने वाला है, जो ब्लैक लुक में आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा लाइटिंग चीज नहीं देखने को मिलती है, ज़्यादा इसको प्रिटेंड नहीं किया गया, इसमें लाइटिंग आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, बात करें इसके बैटरी के बैकअप की, तो आपको 40 घंटे का बैटरी का बैकअप इस एयरपोड्स में देखने को मिल जाता है और लो लेटेंसी 50 ms की देखने को मिल जाती है। तो भाई, गेमिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। गेमिंग में आप पबजी, फ्री फायर या कोई अदर गेम खेलते हो जिसमें कॉल की कनेक्टिविटी होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 का होने वाला है और इसमें आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई, इसकी आवाज़ में काफ़ी गूंज, काफ़ी बेस भी होने वाला है, तो काफ़ी इमेजिंग का ये एयरपोड्स आपको देखने को मिल जाता है। ENC माइक भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई, कॉलिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। आप कहीं मार्केट में हो, ट्रॉफिक में हो, रेलवे स्टेशन पे हो, वहाँ की बैकग्राउंड की नॉइस आती है, तो कॉलिंग के ड्यूरिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्लियरली कॉलिंग कर पाओगे। फ्रेंड्स, तो भाई, कॉलिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट ये एयरपोड्स होने वाला है। ये देखो फ्रेंड्स, 40 घंटे का आपको इसका बैटरी का बैकअप भी देखने को मिल जाता है। गेमिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है और ये वाटरप्रूफ है। अनफॉर्चुनेटली ये बारिश में भीग भी जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज करने वाले हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, MRP की, कि भाई इसका मॉडल नेम क्या है। तो इस एयरपोड्स का जो मॉडल नेम है आपको देखने को मिला, फास्ट ट्रैक एयरपोड्स FX100, ओके। तो ये इस एयरपोड्स का मॉडल नेम है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक ब्रांड का होने वाला है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 का देखने को मिल जाता है। गेमिंग मोड भी आपको इसी में देखने को मिल जाता है। 13 mm का ड्राइवर का बेस भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी MRP की, कि भाई आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसकी जो MRP होने वाली है फ्रेंड्स, 1395 रुपये इस एयरपोड्स की MRP होने वाली है, जो प्लस माइनस होती रहती है, जो कोई फिक्स MRP नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग अगर फीचर्स को MRP से कंपेयर करें तो MRP तो भाई ज़्यादा है, बट इतनी हाई ज़्यादा भी नहीं है। इसके MRP मेरे अकॉर्डिंग 250-350-300 रुपये ज़्यादा है, बट ज़्यादा हाई MRP नहीं है, ओके, क्योंकि यह एक ब्रांडेड चीज़ है, ओके। तो इसमें आपको
वायरलेस रेंज 10 मीटर की देखने को मिल जाती है। BT का वर्जन 5.3 का होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पॉकेट में इतना बैलेंस नहीं रह पाता कि आप इस 1300+ के रुपए का आप ये ईयरपोड्स बाई कर सको, तो मार्केट में और भी बहुत से ब्रांड के ईयरपोड्स रन कर रहे हैं जो आपको 700, 800, 900, 1000 के अंदर ही मिल जाएंगे। आप लाइक मीवी का बाई कर सकते हो, नॉइस का बाई कर सकते हो, बोट का बाई कर सकते हो, बोल्ट का बाई कर सकते हो, विंग्स का बाई कर सकते हो, ट्रुक का बाई कर सकते हो, और भी बहुत से अनगिनत ब्रांड मार्केट में रन कर रहे हैं। ओके, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उनकी MRP भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट होता है कि भाई ये बाई करूँ ये कैसा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर वहीं पर करूंगा फ्रेंड्स, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और बात करें इसकी, तो ये भी इतना बैड नहीं है, MRP ही थोड़ी ज़्यादा है। और अगर आप इसको बाई करते हो तो इसको भी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करने वाले हो, 40 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, गेमिंग कॉलिंग वॉइस के लिए भी ये भी काफ़ी बेस्ट है। ओके, तो ये भी काफ़ी बेस्ट है, इसको भी अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। सो अगर आपका कोई कमेंट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो ये वीडियो इतना ही है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड लुक ऑफ ऑल, जय हिंद।